Hey everyone, I welcome you all once again to my channel. Please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell. And I want to thank all the subscribers जिन्होंने मेरे channel को subscribe किया है and मुझे support किया है. So उन सबको and new viewers and subscribers को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो video है वो start करने से पहले I just want to tell you, you have to understand your hair type. आपकी hair medium है, thick है या thin है. आपकी inborn जो hair quality है आप उसे change नहीं कर सकते हैं. First of all, you have to understand. मुझे सारे तरीके पता है, सारे टिप्स पता है, बट इट डजंट मीन कि मैं अपना हेयर टाइप चेंज कर पाऊंगी. अगर मैं कर पाती तो मैं कर लेती. यू नो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, मॉडल्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं. यू नो, दे कैन बेयर मैक्सिमम एक्सपेंसेस टू गेट यू नो द टाइप ऑफ हेयर दे वॉन्ट, व्हाट आई मीन टू से. बट क्यों सेलिब्रिटीज एक्सटेंशन यूज करते हैं, क्यों सेलिब्रिटीज विग्स यू नो यूज करते हैं. सो यही रीजन है, जो आपका हेयर टाइप है आप उसको कोई भी प्रोडक्ट से चेंज नहीं कर सकते हैं, अनलेस यू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, जो आजकल काफी पॉपुलर है. बट यस, आपकी अगर डैंड्रफ की इश्यूज है या फिर आपके हेयर फॉल के इश्यूज है, ओवर द टाइम आपने दूसरा कुछ अलग कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से दूसरी कुछ कमियां या फिर हेयर डैमेजेस जो आपने फेसेस किए हैं उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज, जो आपकी इनबॉर्न क्वालिटी है उसको आप डेफिनेटली चेंज नहीं कर पाएंगे, और मैं वो अश्योर नहीं भी करूंगी क्योंकि वो काफी गलत होगा करना. सो मैं ऐसे कोई फेक टिप्स आपको देने वाली हूँ नहीं. सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट द पॉइंट. सो द फर्स्ट पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट क्लीनिंग योर हेयर, क्लीनिंग योर स्कैल्प. जी हाँ, सो अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शैम्पू की बात भी आ जाती है. बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू एनी शैम्पू हियर क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रही हूँ. बट हाँ, मार्केट में बहुत सारे शैम्पूस अवेलेबल है, आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से उनको चूज करिएगा. बट हाँ, if you have colored your hair, if you have dyed your hair, तो markets में specially colored hairs के लिए भी color means जो hair colored है या फिर dyed है उनके care के लिए भी shampoos हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करिएगा. या फिर अगर आपके hair dry है तो conditioning के साथ आप you know oil based shampoos available है उनको use करिएगा. आपके split ends है, damaged hair है उनके लिए भी है, आपके hair frizzy है उनके लिए भी है, आपके hair dandruff है you know आप डैंड्रफ है, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ फ्री शैम्पूज भी है उनको भी आप यूज करिएगा. तो ऐसे बहुत सारे शैम्पूज है, और जिनकी फाइन हेयर है एंड थिन हेयर है, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज है, तो आप उनको भी यूज कर सकती है. सो शैम्पू को लेके शायद मैं कुछ और वीडियो लेके आऊंगी फ्यूचर में, तब मैं प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली डिस्कस करूंगी. बट आज इस वीडियो में मैं शैम्पू के ब्रांड्स को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. नाउ दिस शैम्पू थिंग में आफ्टर यू नो शैम्पू टाइप्स के बाद हम बात करेंगे कि आप कोशिश करिए आप अपने यू नो जो स्कैल्प है आपकी स्कैल्प अगर ज्यादा ऑयली है एंड डैंड्रफ है तो आप हर अल्टरनेटिव डे में आप अपने स्कैल्प को धोएं. बहुत सारे लोग जैसे कि स्पेशली द गर्ल्स हुआ हैविंग लॉन्ग हेयर एंड विंटर में स्पेशली उनको धोना होता है, उनको ड्राई करवाना होता है. सो इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी लड़कियां यू नो लाइक वो हफ्ते में दो बार ही धो लेती हैं, और बहुत रेयर ऐसे भी हैं जो एक बार धोते हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. उसकी वजह से आपको एक्नेस भी आएंगे. मैंने एक्ने के वीडियो में भी ये चीज को डिस्कस किया है. सो सेम थिंग यहाँ थोड़ा डिस्कस करना बनता है क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प ज्यादा यू नो ऑयली है एंड डैंड्रफ फ्री है तो आप उसको गंदा ना रखे, उस वजह से भी हेयर फॉल होती है आपको अगर पता ना हो तो. और वो साथ ही साथ आपके स्किन को भी डैमेज करती है, आपके फेस में सब कुछ निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप अपने स्कैल्प को कितना गंदा रखती है. सो प्लीज डोंट डू दैट. बट अगर आपकी यू नो स्कैल्प ज्यादा ड्राई है एंड यू नो नॉर्मल है, इतना डैंड्रफ ऑकर्स नहीं होते हैं, सो आप दो से तीन बार तक धो सकते हैं. एंड शैम्पू की बात आती है तो मैं ड्राई शैम्पू ब्रांड मैं बताना नहीं चाहूंगी, बट कुछ अच्छे ड्राई शैम्पूज भी अवेलेबल है. जैसे ड्राई शैम्पूज यू नो लाइक सब्स्टिट्यूट तो है जरूर, बट वो यू नो द वे द अदर शैम्पूज आर जिनको हम पानी के इस्तेमाल से क्लीन करते हैं उतना तो नहीं होता है, बट फिर भी इमरजेंसीज में आप यूज कर सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे वर्किंग वुमेन हैं जिनके लिए यू नो स्केड्यूल मैनेज कर पाना काफी मुश्किल है, कभी कभार छूट जाता है, या फिर वो अगर लंबे बाल है, घने बाल है, तो समय नहीं दे पाती उनको धोना, सुखाना, केयर करना. सो ड्राई शैम्पूज भी आप रखिए. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहां आप नहीं कर पा रही हैं जैसा आप चाहती हैं, सो यू नो इमरजेंसीज के लिए एंड सब्स्टिट्यूट्स के लिए आप रख सकती हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशनिंग
कंडीशनिंग योर हेयर। बट कंडीशनिंग की बात आ जाती है तो हेयर टाइप के हिसाब से इसके ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं। थिक हेयर अगर फ्रीजी है तो आप उसको वैसे तो हमें बेस को छोड़ना ही है, यू नो आफ्टर 1 or 2 inch फ्रॉम द रूट ही हमें अप्लाई करना है। बट हैवी है तो आप उस हिसाब से कर सकती है। बट अगर आपके हेयर्स काफी फाइन है एंड पतले हैं एंड फिर भी फ्रीजी है तो आप कोशिश आप स्कल्प के करीब से ना लगाएं, बड़े मिनट से आप आधे हेयर में लगाएं या फिर टिप में लगाएं, क्योंकि अगर आप स्कैल्प के करीब से लगाएंगे तो वो आपके हेयर बैठ जाएंगे, इट विल नॉट हैव वॉल्यूम एंड वो पूरा चपटा सा चिपका सा लगेगा, सो इट डजंट लुक गुड। बट मेरा जो पर्सनल व्यू है, अगर आपके हेयर काफी फाइन है एंड थिन है तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। आप कभी कभार आप हेयर स्पा करवा सकते हैं अपने नरिशमेंट के लिए एंड ऑयलिंग करवाइए टाइम टू टाइम, तो आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू नो सिरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आफ्टर यू नो वॉशिंग योर हेयर, बट वो भी आप प्लीज रूट और स्कैल्प के करीब से ना करें, उसको भी टिप में ही इस्तेमाल करें। बट अगर आपकी हेयर थिक है एंड काफी मीडियम रेंज की है एंड फ्रीजी है तब तो आपको डेफिनेटली यूज करना है, एंड अगर काफी ड्राई है एंड डैमेज्ड है तब आपको कंडीशनर डेफिनेटली यूज करना है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑयलिंग को लेकर। सो ऑयलिंग ऑयलिंग भी हेयर टाइप के हिसाब से है, स्कैल्प टाइप के हिसाब से है। अगर आपकी हेयर नॉर्मल है एंड ड्राई है तब आप ऑयलिंग ओवरनाइट भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प काफी ऑयली है एंड डैंड्रफ है आपके स्कैल्प पे तो आप कोशिश करिए कि आप नहाने के 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले ही यूज करें, आप उसको ओवरनाइट ना करें। क्योंकि मैंने सेम थिंग आई एम रिपीटिंग इट, मैंने एक्ने वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं तो आपका जितना फेस है वो भी ऑयली हो जाएगा एंड आपके स्कैल्प में, आपके बैक में, आपके नेक में, आपके फेस में हर जगह पिंपल अगर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर स्पा एंड हेयर मास्क, जो भी आप यूज करते हैं। बट उसमें आप जो मसाज लेते हैं, आप पार्लर में करें या सलोन में करें या आप घर में करें, लेकिन जो आप मसाज लेते हैं कोशिश करिएगा वो मसाज ज्यादा फोर्सफुल ना हो और ज्यादा हार्श ना हो, और वो सो वाइल मसाजिंग इट शुड नॉट बी ऑफ टू मच पुलिंग, सो वो चक्कर में आपके हेयर भी बहुत सारे फॉल हो जाते हैं, सो वहां भी हेयर फॉल होता है, सो अननेसेसरी हेयर फॉल है। सो कोशिश करिएगा आप जिनसे भी मसाज ले या जिनको भी बोले आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो इतना हैवी और हार्श तरीके से ना करें, दे शुड डू विद अ सटल हैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेट अस डिस्कस अबाउट डाइंग योर हेयर, कलरिंग या फिर हम जो हिना वगैरह जो यूज करते हैं, मेहंदी वगैरह, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे जहां तक कलरिंग की बात आ जाती है, सो आई पर्सनली डोंट डू कलरिंग, बट अगर आपकी हेयर अच्छी है, बहुत हेल्दी है, थिक है और मीडियम रेंज तक की है, देन इफ यू वांट फॉर स्टाइलिंग यू कैन गो। हम किसी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं स्टाइल करने से, सो आप कर सकते हैं। बट अगर आपकी हेयर काफी ड्राई है एंड डैमेज्ड है तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि प्लीज यूज ना करें कलर्स एंड डाइज, क्योंकि वो काफी केमिकल बेस्ड होती है और आपके हेयर के लिए वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात आ जाती है मेहंदी या हेना की, सो मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी, यूजुअली बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मेहंदी है, बट हेना वगैरह जो भी है, बट यूजुअली ये ड्राई होती है, तो आप जब ओवरनाइट आप उसको भिगाती हैं, सुबह जब आप उसको अप्लाई करती हैं या 1-2 घंटे भिगाने के बाद जब आप उसको अप्लाई करती हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप उस पर 1 या 2 स्पून आप कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी हेयर ऑयल है आप उसको ऐड करके ही लगाएं, तब वो आपके बाल को इतना ड्राई नहीं करती है आफ्टर वॉशिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ट्रिम योर हेयर टाइम टू टाइम। आप अपने हेयर के जो एंड्स होते हैं उनको अच्छी तरह से ट्रिम करते रहिए टाइम टू टाइम। हमें से बहुत तो शौक है कि हम लंबे घने बाल रखें, बट अगर आपके बाल ग्रोथ हो रहे हैं एंड स्पेशली टिप अगर अच्छा नहीं लगता है, वो झाड़ू के जैसे हो गए हैं, तो यू हैव टू डेफिनेटली ट्रिम एंड यू हैव टू मेक इट लुक हेल्दी एंड गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ड्राई योर हेयर। ड्राई की जब बात आ जाती है तो एक ट्रेडिशनल वे है जो टॉवल से हम करते हैं, और दूसरा जो है हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं। सो मैं दोनों ही चीज को रेकमेंड इतना नहीं करूंगी एंड दोनों ही चीज के यूज करने के तरीके को मैं भी बता देती हूँ। जैसा कि हम टॉवल से हल्का सा हम रब कर सकते हैं, रब इन द सेंस हम जस्ट उसके जो पानी है हेयर में जो पानी रह जाता है आफ्टर वॉशिंग उसको सुखाने तक के लिए ही हम उसको यूज करें, उसको हम रगड़े नहीं, इस तरह से आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं, सो प्लीज वैसा ना करें। दूसरा है हेयर ड्रायर। आप अननेसेसरीली हेयर ड्रायर को यूज ना करें। कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहां हमें फटक से सुखाकर कुछ स्टाइलिंग करना होता है, तब की बात अलग है। बट अगर आप डेली आप नहाने के बाद आप ऑफिस जा रही हैं या फिर आप कहीं जा रही हैं
आप उसमें हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हैं तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो भी काफी हद तक आपके हेयर फॉल का कारण बन जाती है. एंड हेयर ड्रायर से भी जो हीट आता है वो उतना ही इक्वली यू नो हार्मफुल है जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग कराते वक्त या फिर कर्लिंग कराते वक्त आप यू नो अपने हेयर को हीट देती. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग योर हेयर. सो यहाँ मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं किसी को भी करने या नहीं करने का टिप नहीं दूंगी क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है. बट अगर आपकी हेयर काफी डैमेज है एंड फाइन हेयर है, थिन हेयर है, सो आप इन चीजों को ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि ये आपके हेयर को हेयर लॉस का कारण बन जाती है, हेयर डैमेज का कारण बन जाती है. सो आप कोशिश करिए कि आपके ऑलरेडी कम है बाल एंड डैमेज है बाल, सो आप अफोर्ड ना करें इन चीजों को जो चीज हार्मफुल है आपके लिए, बाकी तो आपकी मर्जी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत सारे विमेन ये कंप्लेन करती हैं कि उनके हेयर फॉल होते हैं. सो हेयर फॉल का कारण बहुत सारी हो सकती है, ड्रायर का गलत इस्तेमाल, कंटिन्यूस इस्तेमाल, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग एंड यू नो डाइंग, सो ये सब चीजें हो सकती है, बाल ना धोना, डैंड्रफ को काफी रहने देना, हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस की है. बट उसके अलावा स्टाइलिंग भी हेयर फॉल का कारण बनती है. जो लोग यू नो लाइक जो इस लाइन में है जिनको हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है, लाइक मॉडल्स हो गए या फिर सेलिब्रिटीज हो गए या आर्टिस्ट हो गए, उनको पता है कि कंटिन्यूसली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाना, हेयर को इस तरफ उस तरफ पुल ऑफ करना, बहुत सारे स्टाइल्स बनाना, उससे भी हेयर फॉल काफी हद तक होता है. सो आप कोशिश करिए कि आप हेयर स्टाइल यू नो चूज करते हैं जब, तो आप एक सिंपल एंड सटल हेयर स्टाइल चूज करें. ऐसे हेयर स्टाइल बिल्कुल भी चूज ना करें जो आपके हेयर फॉल का कारण बने. And let us talk about a little bit of hygiene here, जो बालों से related है. Please use your own towels and own comb. And दूसरी बात, आप please fresh vegetables खाएं, fruits खाएं, you know, और you know जो भी healthy fats होते हैं बालों के लिए काफी अच्छा होता है, वो आप उनको खाएं. And last point but not the least, अगर आपके hair fall काफी severe है, then you have to go to a doctor. क्योंकि I don't think so वहाँ ये सारे tips और कोई भी बाहर से दिए हुए tips काम आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी डिफिशियंसीज होती है उनको डॉक्टर ही पता करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपके हेयर फॉल को समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे. इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल बढ़ रहे हैं तो यू शुड नॉट यू नो हेजिटेट, आप समय रहते डॉक्टर के पास जाएं एंड आप अपना ट्रीटमेंट करा लें. आई होप मैंने जो भी आपको टिप्स दिए हैं काफी हेल्पफुल होने वाली हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा एंड अपने हेयर को अच्छी तरह से केयर करिएगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव कमेंट्स कि आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहती हैं. मेरे कंटेंट के अलावा मैं आपके सुझावों के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ. सो टिल आई ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.